गुड मॉर्निंग, कंप्यूटर पाठशाला संभाषण में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा लैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल में जो डाटा लिखते हैं उसको टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे कहते हैं, और हम टेबल में अलग से ड्रा टेबल करना चाहते हैं तो वो कैसे सेट करते हैं। आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना पड़ता है। तो कीबोर्ड से आप विंडोज आ दबाइए और इसमें विन वर्ड लेकर ओके कर दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट पे जैसा खुलता है, अब मुझे में टेबल बनाना है। तो टेबल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है ये हम पिछले वीडियो में बता दिए। आइए हम ड्रा टेबल से बनाते हैं या इंसर्ट टेबल से बनाते हैं। तो देखिए, जब इंसर्ट टेबल से बनाते हैं यहाँ से भी आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टेबल ऐड हो गया। एक से अधिक टेबल का सेल बनाना चाहते हैं जो है कॉलम का, तो टैब दबाते चले जाइएगा और ये बनता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा? इसकी साइज कम बेसी करना है तो सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, होम टैब में चले जाना होगा और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्लाइन स्पेस दिया जाता है। यहाँ पर जितना आपको रखना चाहते हैं 3.0 रखते हैं हम, 3.0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर मुझे लिखना है तो यहाँ पर नेम लिखते हैं, टैब दबाएंगे अगला सेल में चल जाएगा। यहाँ पर फादर लिख देते हैं, विलेज लिख देते हैं और कोर्स लिखते हैं। ठीक है, अभी साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर देंगे और होम टैब में जाकर फंड ग्रुप से बड़ा कर लेंगे। देखिए सारा बड़ा हो जा रहा है। सेल को कलर करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आपको डिज़ाइन टैब में चले जाना होगा, सेंडिंग में चले जाना होगा। यहाँ से जो भी कलर लेना है कलर ले लीजिए। लेटर को कलर करना होगा तो सेलेक्ट करके होम टैब में चले जाइएगा, यहाँ से टेक्स्ट कलर कर दीजिएगा। बट मुझे टेक्स्ट डायरेक्शन करना है तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करना होगा तो इसको पहले आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक, और लेआउट टैब में चले जाइए। अब आपको यहाँ पे एक एलिमेंट ग्रुप मिलता है तो इसमें चले जाइए और देखिए यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो लेटर लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंजिंग हो जाता है। आपको जैसा रखना है आप वैसे रख सकते हैं। देखिए एलाइनमेंट, तो आपको सेल में लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, ऐसे हम एलिगन के काम प्रयोग करते हैं, मध्य में, लेफ्ट में, राइट में। और टेक्स्ट डायरेक्शन काम है कि जो लेटर को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में बदलना चाहते हैं आप वहाँ से बदल सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि जब हम टेबल में सेल को मिटाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कैसे कहते हैं। तो अब देखिए डिजाइन टाइम में चले जाइए, आपको यहाँ पर इरेजर दिया हुआ है, इरेजर से आप एक एक सेल को मिटा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सेल मिट गया। ऐसे भी हम मिटका सकते हैं यदि आपको एक एक मिटका। पिछले क्लास में भी बताए थे टेबल में सेल को जो या कलर मिटाना चाहते हैं तो डिजाइन टैब में जाकर आपको सेल को जो मिटाना चाहते हैं डिलीट सेल कर सकते हैं। अब मुझमें जो ये सेल मिट गया तो इसको हम पुनः लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिजाइन टैब में जाइएगा, ड्रा टेबल है, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आपको मन चाहा जैसा आप टेबल बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं वैसे यहाँ पर ऐड कर, यहाँ पर लिख सकते हैं माय विलेज नेम सुनवासा, ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, डाटा टेबल कैसे कहते हैं और लेटर को टेक्स्ट एक्शन कहते हैं कैसे कहते हैं। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेआउट टैब में जाकर यहाँ से टेक्स्ट एक्शन कर लीजिएगा, सेल को थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लीजिएगा। नेक्स्ट लैब में मिलेंगे, टेबल के ए टू जेड जानकारी देंगे कि आपको टेबल कैसे बनाएंगे और कहाँ कितना कटिंग होना चाहिए, हम सम का प्रयोग कैसे करेंगे टेबल में, ऐसा आप अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।